हरियाणा में बीरेंद्र और दुष्यंत की लड़ाई लोकसभा सीट पर पहुंची। जी हां, क्या है ये राजनीतिक लड़ाई, चलिए विस्तार से एक बार फिर से समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच की लड़ाई हिसार लोकसभा सीट पर पहुँच गई है। जजपा के सीनियर उप प्रधान दुष्यंत चौटाला ने अब हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव प्रचार से लौटने के बाद कहा है कि हिसार सीट पर जेजेपी का हक है, हमारा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा। तो वहीं हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है, मैं खुद उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। दुष्यंत के इस बयान के बाद सियासत अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। इसकी वजह है कि ये जो मौजूदा समय में हिसार लोकसभा सीट भाजपा के पास है और यहाँ बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह जो है वो सांसद हैं। वहीं जजपा और भाजपा हरियाणा में गठबंधन सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई भी हिसार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। तो वहीं नारनौद सीट से पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पिछले दिनों कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर भाजपा के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने जजपा के दुष्यंत चौटाला को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। तो वहीं 2014 के चुनावों में INLD सीट के प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को करीब 32,000 वोटों से शिकस्त दी थी। चुनाव जीतने के बाद वो सबसे युवा सांसद जो है सबसे चहेते और सबसे युवा सांसद बने थे। तो वहीं देखिए, अब 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले दुष्यंत चौटाला ने INLD से अलग होकर अपनी JJP पार्टी बनाई थी। जिंदगी उचाना विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था और यहां भाजपा की प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उन्होंने करीब 47,000 वोटों से मात दी थी। तो देखिए, अब दुष्यंत चौटाला और बीरेंद्र सिंह की ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।